गाइस रास्ता देखो, रास्ता हम लोग नेपाल के अंदर तो आ गए हैं, बट आगे हमें जाने नहीं दे रहे हैं और हम अभी भी सिलीगुड़ी नहीं पहुंच पाए हैं। रात के बज रहे हैं 12:30। तो गाइस फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। आज है 7 तारीख और हमारी जो राइड है वो शुरू हो गई है, क्योंकि आज मुझे मेरे दो फ्रेंड्स और मिले हैं यहाँ पे। और कल जैसे रात को बताया था मैंने आपको कि हम लोग जो है यहाँ रात को 9:30 बजे करीब पहुँचे थे, और यार बिल्कुल हालत नहीं थी कि रात को मैं व्लॉग ख़त्म कर पाता, तो इसीलिए मैंने आज सुबह व्लॉग ख़त्म किया। तो अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और जो मेरा फ्रेंड मुझे मिला है ये और ये धारवा में मेरे साथ था अंकित। yes, yes. तो बाबा नहीं मजा आने वाला जितना हमने धारवा में किया था। मोस्ट प्रोबेबली बहुत बोरिंग था यार। नहीं कल तो था ऑब्वियसली, फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, लेकिन एक बार हम उस वादियों में पहुंच जाते हैं बस उसी का इंतजार है। कल तो यार लिटरली हाईवे पे बोरिंग 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 और बोरिंग ही होते गए। तो अंशुमन भैया ये रहे और ये रहा मेरा तीसरा फ्रेंड सनी, ही इज फ्रॉम हैदराबाद। तो अभी इसने रिकॉर्ड मारा है एक हैदराबाद से लखनऊ। तो भाई बड़ा खतरनाक राइडर है ये भी। सो सारे राइडर्स अब तैयार हैं और हम लोग अब गोपालगंज से निकल रहे हैं, और बस फिर मिलता हूँ मैं आपको अपनी बाइक पे और निकलते हैं आगे। चलो सो गाइस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और बाकी सनी और वो बाकी अंकित और सनी आगे निकल गए हैं और हम आगे निकल रहे हैं भाई। चलो जी, जय माता दी, जय हो, जय माता दी। उठा नहीं रहा, इस साइड गए हैं। चलो राइट लो, आगे से राइट लेना, आगे से चलो चलो सीधा, चलो सीधा जाके राइट लो। शायद इसी रास्ते पे गए हैं अंकित और सनी। तो आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है गोपालगंज टू सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी है अराउंड यहाँ से 500 किलोमीटर के आसपास। वाओ यार, तो सही लग रहा है। अभी हम सब अलग अलग चल रहे हैं क्योंकि सनी और अंकित आगे निकल गए, मैं और अंशुमन भैया पीछे हैं। वाओ मैन, वाओ, पूरा ग्रीन हो रखा है और बीच में ये येलो येलो सा ना, इतना ऑसम व्यू लग रहा है ना। सो फाइनली हम चारों मिल गए। तो भाई लो फ्यूल का सिग्नल आ चुका है, लेकिन रेंज दिखा रहा है 120-130 चलेगी। हम गांव के अंदर घूम रहे हैं, पता नहीं पेट्रोल पंप कब आएगा, आएगा तो हम रुकेंगे। कम से कम आज हाईवे छोड़ करके यह तो अच्छा लग रहा है, गांव के अंदर घूम रहे हैं, किसी लोग दिख रहे हैं, छोटी सी रोड है, अच्छा अच्छी ग्रीनरी दिख रही है, पुराने मकान दिख रहे हैं, झोपड़ियाँ दिख रही हैं। कोई लेक है, गांव के अंदर की लेक है कोई। वाह यार वो देखो कितनी प्यारी लग रही है, अलग ही नज़ारा है। ये सारी सरसों लगी है, कितना सुंदर दिख रहा है यार ये भी, साइड भी। फाइनली तेल डलवा लिया, टैंक हो गया फुल और अब चलेगी 430 किलोमीटर, चली ना जाए।
बीरगंज बॉर्डर 33 किलोमीटर। क्या हो गया? चलिए जी भैया चलिए। सो रेक्सॉल जो है यहाँ से है 33 किलोमीटर। सो बॉर्डर पड़ता है गाइस सो नेपाल के लिए। फाइनली सैडलिंग करने का मौका मिला थोड़ा सा। गाइस रास्ता देखो रास्ता सब खुदा भाई। गाइस गॉड कितने सारे ट्रक है ये। सर रक्सौल बॉर्डर जो है वो यहाँ से सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर है और हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान यही था कि हम लोग नेपाल क्रॉस करके जाएंगे। अगल रक्सौल बॉर्डर कहाँ पे होगा नेपाल का? अभी बाइक वाला एक और गया है। अच्छा थैंक यू। इतने सारे ट्रक हैं। भैया नेपाल के लिए रास्ता यही है? नेपाल के लिए अभी एक बाइक वाला गया कोई? इसी बाइक में अभी आए हो? तो निकला नहीं है कोई। आपको उधर से जाना चाहता था ना? बाइक वहाँ से जाती है? हाँ। नेपाल के लिए? हाँ नेपाल के लिए। कितना दूर है यहाँ से? हाँ आपको घूम कर जाना पड़ेगा फिर उधर से डंकर कस्टम इंडियन कस्टम उधर है। हाँ। पुराना कस्टम। तो ये ट्रांसपोर्ट है? हाँ हाँ। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से वही 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर है। चलिए धन्यवाद भैया। कोई जाता नहीं है। अच्छा हम गलत आ गए। सो यहाँ से है शायद रास्ता भट्टा चौक। सर ये भट्टा चौक कहाँ पे कड़ेगा? भट्टा चौक नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना है अभी। चले जाइए सीधे सीधा लेफ्ट में घूमेंगे। ओके वहाँ से कस्टम ऑफिस फिर लेफ्ट होना पड़ेगा। ओके थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू सो मच। फाइनली सही जगह पे आया मैं काठमांडू 290। वाओ कितनी भीड़ है ये। आगे आगे एक बंदा आगे है। ओके यार ब्लॉकर व्हाट योर चैनल नेम? उड़ता परिंदा। व्हाट्स योर नेम? सामर्थ। सामर्थ सामर्थ ग्रेट नाइस टू मीट यू सामर्थ। अब एक ग्लव खो गया यार। एक ग्लव खो गया पता नहीं कहाँ। कौन सा आप ये वाला? ये तो चलना कहाँ रह गया पीछे यार तू? छोटी चीज है तो। अरे नहीं मैं ढूंढ रहा था फिर। ढूंढ क्या रहा था? मेरे को लगा तुम लोग पीछे हो। मैंने लोकेशन भेजी। रॉयल एनफील्ड वाले? हाँ यार वो तो भारी हो गया। ऑन है ये यार। हम तो अंदर भी मुझे लगा ये भी पीछे है। हम लोग अंदर चले गए थे। जाने नहीं दे रहे क्यों? ये नेपाली है। हाँ तो मुझे पता है ये नेपाली है। अब वो पीछे वहाँ से इंडिया शुरू है वो वाले पुल इंडिया का है। हमने तो इनसे परमिशन ली कि अंदर चले जाए। कहते चले जाओ चलो फिर आगे जाके उसने बोल दिया कि आगे मत जाओ अगर पकड़े जाओगे मतलब पकड़े क्या जाओगे अभी कस्टम अलाउड नहीं कर रहे ना क्या बोलते हो। सो दिस इज नेपाल गाइस।
सो गाइस हम लोग नेपाल के अंदर तो आ गए हैं, बट आगे हमें जाने नहीं दे रहे हैं। इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने साफ मना कर दिया कि आप अभी नहीं जा सकते हैं अंदर। सो यार जैसा प्लान था उस हिसाब से तो नहीं हो पाया। सोचा था कि नेपाल से टूवर्ड सिलीगुड़ी निकलेंगे, बट टाइम हो चुका है एक, और एक बजे का मतलब ये है कि 9 घंटे GPS और दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें वापस फिर लौटना है 30 किलोमीटर आगे जहाँ से हम आए थे, बट यहाँ से नेपाल चले जाएंगे, बट हुआ नहीं यार। चलो कोई नहीं, हम लोग अपना मूड ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अब आगे की ओर बढ़ेंगे और निकलते हैं वापस। एक बज रहा है, 9 घंटे और दिखा रहा है तो करीबन 10 बज जाएंगे। अब देखिए कहाँ तक रुकते हैं, कहाँ तक रहते हैं, या मेरे हिसाब से तो अब हो सकता है लेट भी हो सकते हैं हम, और हो सकता है कहीं बीच में भी स्टे कर लें। लेट्स सी, जैसा प्लान बनेगा आपको अपडेट करते रहूँगा। फिर मिलता हूँ बाइक पे, बट ये देखो नेपाल का झंडा और नेपाल में ही खड़े हैं हम। चलिए मिलता हूँ फिर बाइक में आपको। तो यहाँ से निकल दिए हैं हम और 50 किलोमीटर और आगे जाएंगे। अब मेरे ग्लव भी एक खो गया, पता नहीं कहाँ गिराया मैंने। चलो कोई नहीं, एक्स्ट्रा है मेरे पास, अभी वो निकाल लूँगा। तब तक मैं कोशिश करूँगा कि अंशुमन के ग्लव्स यूज़ कर लूँ अगर ठंड लगी तो। धक्का लगा रहा हूँ, धक्का। फूफ बहुत भीड़ भाई। बड़ी देर बाद गांव निकल के अब हाईवे पे आए हैं फाइनली। हम कुछ खाएंगे, सुबह से भूखे हैं यार, चाय भी नहीं पी आज तो, बस अभी एक लड्डू खाया था राम जी के नाम का। सनी कल अयोध्या गया था तो वहां से लड्डू लाया था राम मंदिर से, तो बस फिर वही खाए हमने। तो गाइस खाना वाना हो चुका है, यहाँ पे रुके थे एक ढाबे पे, खाना खा लिया है भाई। अब यहाँ से सिलीगुड़ी इज़ लाइक 451 किलोमीटर, और 451 किलोमीटर गूगल के हिसाब से दिखा रहा है रात को 1 बजे, यानी 8 घंटे लगभग। अब 8 घंटे से कम में कोशिश करने के हो जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। सुबह जब मॉर्निंग में निकले थे गोपालगंज से तो वहाँ से जो था 500 किलोमीटर के आसपास था, बस यह सोचा था कि नेपाल के थ्रू जाएंगे, बट कोई नहीं नेक्स्ट टाइम थोड़ा नया रूट सोचा था, बट हुआ नहीं। वो मेरे लिए तो वैसे भी ये पूरा रूट ही नया है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं। सो गाइस यहाँ रुके थे थोड़ा चाय पीने के लिए, रात हो गई यार 9 बज गए, अभी भी 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अभी देखिए कितनी जान बची है, इतना मज़ा आ रहा है ना इस टाइम राइड कर रहा हूँ, इतनी खुशी मिल गई मुझे उस टाइम सर्विस के, क्योंकि मेरे एक कान में बज रहा है गाना, पंजाबी गाने ला रखे हैं और चार राइडर चल रहे हैं और ठीक ठाक सिस्टम चल रहे हैं, कोई अभी तक तो क्लियर चल रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है।
सुबह 10:30 हो गए हैं और हम पहुंचे हैं अभी अररिया। यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इधर है ना, वो तो हाईवे हो गया ना। हाँ वही कह रहा हूँ मैं। सो अभी हम जा रहे हैं अररिया कोई होटल ढूंढने, क्योंकि हमें पता है कि रात को 1 बज जाएगा सिलीगुड़ी पहुँचने में। लेट्स सी, अगर यहाँ कोई अच्छा होटल मिल गया तो यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा दौड़ा देंगे गोली। पहुँच जाएंगे रात तक सिलीगुड़ी भी, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, अररिया हमने छोड़ दिया है, ना कोई होटल मिला ना कुछ खाने के लिए, तो हम जा रहे हैं सीधा सिलीगुड़ी। तो टाइम हो गया है 11, करीबन 12:30 1 बजे से पहले तो नहीं पहुंच सकते हैं। गाइस अभी हम लोग हैं सिलीगुड़ी से 200 किलोमीटर पहले और हम अभी भी सिलीगुड़ी नहीं पहुंच पाए हैं। रात के बज रहे हैं 12:30, हमने यहीं खाना खाया है और हम आगे जा सकते थे, लेकिन यार रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसीलिए हम लोगों का प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अब रुकने की जगह तो एज सच कोई मिली नहीं हमें, बट इसी ढाबे के अंदर जहाँ हमने खाना खाया है वहीं हम लोग रात को रुक रहे हैं। तो यहाँ चारपाई पड़ी हुई हैं और बाइक हमने अंदर लगा दी है, तो भैया ने यहाँ सोने की हमें परमिशन दे दी है। सो मज़ा आएगा अब रात को, ठंड भी काफ़ी अच्छी हो रही है इस टाइम। लेट्स सी, अब ठंड भी काफ़ी अच्छी हो रही है इस टाइम और अब रात को निकलना थोड़ा सेफ भी नहीं है, तो सोचा कि यहीं सो जाते हैं इसी ढाबे के अंदर। तो मैं आपको पहले अंदर का व्यू दिखा देता हूँ जहाँ हम लोग सोने वाले हैं। सो ये खड़ी अपनी बाइक्स, हमने अंदर पार्क कर दिया और ये हमारे बेड और ये हमारे बेड 1-2, अब 2 यहाँ लग जाएंगे का, तो अब कल सुबह सुबह निकलेंगे। यार आज 6-7 तारीख, बस वो नेपाल का जो रूट बंद था उस चक्कर में हमें लेट हो गया, वरना तो हम कब के सिलीगुड़ी पहुँच जाते। चलिए मिलता हूँ फिर मॉर्निंग में आपको, आज यहीं स्टे करते हैं। सो एक बार आप लुक देख लो इस जगह का, ये खड़ी अंकित की बाइक, उसके पीछे मेरी बाइक, ये अंशुमन भैया की बाइक और अंशुमन भैया के बगल में सनी की बाइक। तो ये है यहाँ का व्यू, सुबह मिलता हूँ फिर आपको, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।